स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया 9005 में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदान को लोकतंत्र का महापर्व कहा गया है, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय आम चुनाव की प्रक्रिया दुनिया की किसी भी देश में होने वाली सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हालांकि हमारे यहाँ होने वाले चुनाव में हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है, हर चुनाव कोई ना कोई रोचक तथ्य इतिहास के पन्नों में जोड़ देता है। ऐसे में आज हम आपको चुनाव से जुड़े कुछ रोचक जानकारियां से रूबरू कराएंगे। भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जितना विवाद हाल ही में हुआ है उतना शायद ही पहले कभी हुआ हो, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? ईवीएम का आविष्कार साल 1980 में MB हनीफा द्वारा किया गया था। उन्होंने इसका पंजीकरण 15 अक्टूबर 1980 को कराया। देश में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल साल 1982 में मई के महीने में हुआ था। तब केरल में परावुर विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर इसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि तब भी एक उम्मीदवार ने चुनावों में अपनी हार का कारण ईवीएम को बताया था और वह उम्मीदवार AC जोस थे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपकी उम्र क्या है और क्या आप वोट कर सकते हैं। देश के पहले चुनाव के लिए गोदरेज कंपनी ने 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए थे और एक बॉक्स के बदले में सरकार ने 5 रुपये का भुगतान किया था। क्या आपको पता है दोस्तों, मिजोरम और सिक्किम से सिर्फ एक एक ही सांसद चुनकर लोकसभा में आते हैं। 1999 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार एक किन्नर ने जीत हासिल की थी। धरती पकड़ के नाम से मशहूर काका जोगेंद्र सिंह कुल 25 बार चुनाव हारे। जोगेंद्र सिंह ने राजीव गांधी और VP सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ही चुनाव चिन्ह दो पार्टियों को दिया गया है? जी हाँ, यह सच है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी ही है। अब बारी है उस तथ्य की जिसके लिए आप अब तक वीडियो में बने हैं। 1996 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में इरोड के पास मोडाकुरुची सीट पर बहुत से प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो गए। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि निर्वाचन आयोग को यह चुनाव कराने के लिए बैलेट बॉक्स के बजाय बैलेट बुक छपानी पड़ी थी। इस सीट के लिए उस साल 1033 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने पूरी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। हालांकि इस वाक्य के चलते पहले निर्वाचन आयोग को चुनाव को एक महीने के लिए टालना पड़ा और बाद में निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली जमानत राशि बढ़ा दी। आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।